देखिए, ये हमारे पास सिलाई मशीन है, उषा जेनो वंडर स्टिच स्विंग मशीन। तो इस मशीन के डेमो का हमने वीडियो पहले बना रखा है कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आपने अभी अभी नई मशीन खरीदी है और आपको बिल्कुल यूज करना नहीं आता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक भी दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो हमें बहुत से कमेंट मिले हैं कि मैम, ये सिलाई मशीन हमारे पास है और इसमें कपड़ा जो है वो आगे नहीं चल रहा है, मशीन एक ही जगह चल रही है, कपड़े को आगे नहीं सरका रही है, सिलाई नहीं हो रही है। तो आज इस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है मशीन में, जिससे कि धागा जो मशीन है उसमें कपड़ा आगे की तरफ नहीं चल रहा है। अगर आपकी मशीन में भी ये प्रॉब्लम हो तो आप इसे ठीक कर लें। देखिए, सबसे पहले हम इसमें धागा डालेंगे। तो धागा डालने का तरीका भी हमारा हो चुका है उस वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मशीन के ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, दो ये हैं स्पूल पिन्स। तो इन्हें हम इस तरह से ऊपर खींचेंगे। देखिए, इस तरह से ऊपर की तरफ खींचती हैं दोनों, इस तरह से बाहर निकल सकती हैं। जब आप इन्हें यूज कर रहे हो तो आप इन्हें बाहर की तरफ निकाल लें, और जब यूज ना कर रहे हो तो आप इन्हें अंदर की तरफ इस तरह से कर दें। और सबसे पहले हम स्पूल पिन में धागा नलकी लगाएंगे। देखिए, इस तरह से ये हमने इसमें नलकी लगा दी है। अब यहां से हम धागे को इस तरह से खींचेंगे और इस धागे को खींचकर हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये है थ्रेड गाइड, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये है थ्रेड गाइड। इस तरह से इस धागे को यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर आपको डालना है। तो इस तरह से ये हमने डाल लिया धागे को। अब इस धागे को हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बीच में स्पेस है, यहाँ पर इस धागे को इस तरह से ले जाएं नीचे की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर निशान भी बने हुए हैं। एक नंबर है, एरो लगा हुआ है, नीचे की तरफ धागे को ले जाएं। फिर यहाँ पर दो नंबर है, इस तरह से एरो ऊपर की तरफ लगा हुआ है। तो धागे को हम घुमाकर इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे, इस तरह से। और अब यहाँ पर ये है थ्रेड टैकअप लीवर। तो ये अगर नीचे रहे इस तरह से तो ये हैंडव्हील है, हैंडव्हील को आप इस तरह से घुमाकर इस थ्रेड टैकअप लीवर को आप ऊपर की तरफ ले आए। और अब इस धागे को इस साइड से हम लगाएंगे। तो धागा आप बिल्कुल सही से लगाएंगे, चाहे मशीन कोई भी हो, ये मशीन हो उषा जेनो वंडर स्टिच या फिर कोई भी मशीन हो, धागा सबसे पहले जरूरी है कि धागा आपको बिल्कुल सही लगाना होगा, तभी सिलाई सही तरीके से होगी। अब देखिए, इस धागे को आप इस साइड से ना ले, धागे को इस साइड से लेना है। और यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर निशान भी बना हुआ है गाइड के लिए, इस तरह से यहाँ पर लगा हुआ है एरो का निशान, थोड़ा कर्व के नंबर 3। तो इस साइड से धागे को हम इस तरह से ले जाएंगे, इसमें घुमा के हम इस तरह से लाएंगे। और अब धागे को हम ले जाएंगे नीचे की तरफ इस तरह से। और अब यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ मशीन को, इस तरह से आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। इस तरह से देखिए, धागा यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आपको धागे को इस तरह से लेके जाना है, और यहाँ पर ये जो बना हुआ है इसके अंदर आपको इस तरह से धागे को फंसाना है। इस तरह से लगाने के बाद में अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है ये है निडल, सॉरी ये है निडल थ्रेडर, इसको हम निडल थ्रेडर कहते हैं। तो ये इस तरह से नीचे की तरफ आता है, तो इसकी हेल्प से हम ये जो निडल है इसमें धागा लगाते हैं। तो इससे धागा लगाने के लिए सबसे पहले आप हैंडव्हील को घुमाकर, हैंडव्हील को घुमाकर मशीन की जो सुई है ये वाली, इसको जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर आप कर लें। तो देखिए, ये हमने इसे ऊपर कर लिया है इस तरह से। अब ये जो निडल थ्रेडर है इसको आपको नीचे की तरफ खींचना है, इस तरह से। खींचने के बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो निडल थ्रेड है इसमें एक छोटा सा वायर लगा हुआ है। तो इसको आप, ये जो निडल है इसका जो होल है इसमें, इसको निडल की जो आई बोलते हैं उसमें आपको इस तरह से लगाना है, लग गया। और अब ये जो धागा है इसे आपको निडल थ्रेडर पर इस तरह से लगाना है, यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से लगाना है। और उसके बाद में इस निडल थ्रेडर को इस तरह से पीछे की तरफ खींचना है। तो इस तरह से खींचेंगे तो धागा सुई में लग जाएगा। तो मैं आपको एक बार फिर अच्छी तरह से जूम करके दिखा देती हूँ। तो देखिए, मैं मशीन की लाइट भी ऑन कर ली है। और अब देखिए, ये जो निडल थ्रेड है इसे आपको पकड़कर इस तरह से नीचे की तरफ लाना है, और इस तरह से इस वायर को इस आई में लगाना है। और अब इस धागे को हम, सॉरी, इस तरह से इस पर लाएंगे और इस तरह से
ये जो यहाँ पर निडल थ्रेडर का जो वायर इस आई से निकला है बाहर की तरफ, इसमें फंसाएंगे इस धागे को और फिर इसे खींच कर हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह से। फिर देखिए ये धागा दूसरी तरफ आ गया है, तो अब हम इसे निडल थ्रेडर को हम छोड़ देंगे इस तरह से और धागे को पकड़ कर हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये सुई में धागा लग गया है। तो बहुत ही आसान है इस तरह से सुई में धागा लगाना। अब देखिए इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन टेबल, तो इसे हम इस तरह से हल्का सा पुश करेंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसमें हमारे एसेसरीज हैं, इसमें प्रेशर फुट है, ये स्क्रू ड्राइवर है, सीम राइपर है, इसमें एसेसरीज होती हैं, एक्स्ट्रा बॉबिन्स हैं, तो इसे हम हटा देते हैं। अब देखिए ये है हुक कवर, तो इसको यहाँ से बस आसानी से खुल जाता है, इसे इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे ये धागा, लगाएंगे नीचे की तरफ। तो ये बॉबिन है और ये है बॉबिन केश, तो हमने इसमें धागा डाल रखा है पहले से ही बॉबिन में, तो इसको हम इस तरह से लगाएंगे और अब इस धागे को पकड़ कर हम इस तरह से हल्का सा खींचेंगे और यहाँ पर इस बॉबिन केश में हम धागे को सेट करेंगे। तो बहुत आसानी से सेट करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से धागा डालने के लिए है यहाँ पर, इसमें से इस तरह से निकालेंगे और हल्का सा खींचेंगे धागे को और यहाँ तक ले आएंगे इसे। तो यहाँ तक इस तरह से आप देख ले, यहाँ तक आपको धागे को अच्छी तरह से लेके आना है, इसी की धागा अच्छी तरह से डल गया है इसे। अब इसे इस तरह से खींच के देख ले, स्मूथली धागा जो है बाहर की तरफ खींच रहा है, मतलब धागा अच्छी तरह से इसमें लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये है लैच, तो इसको आप इस तरह से हल्का सा उठा के रखें, इस तरह से उठा कर रखें और अब हमें ये बॉबिन केस लगाना है इसमें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये जो निकला हुआ है इसको हम कहते हैं हॉर्न। तो इस हॉर्न को हमें यहाँ पर ये जो स्पेस देख रहे हैं आप, इसमें हमें सेट करना है यहाँ पे। तो इसे इस तरह से लगाएं आप और इस हॉर्न को यहाँ पर जो स्पेस है इसके लिए इसमें इस तरह से लगाएं और इसे छोड़ दें। तो अब इस तरह से ये बॉबिन केस यहाँ पर सेट हो गया है, आप इसे बंद कर दें और इसे वापस लगा दें इस तरह से। अब यहाँ से इस धागे को हम इस तरह से पकड़ेंगे और ये जो हमारा हैंड व्हील है इसे हम घुमाएंगे, इसे घुमाएंगे तो निडल नीचे की तरफ जाएगी और नीचे का जो धागा है उसे पकड़कर ऊपर की तरफ ले आएगी। तो आप देख सकते हैं धागा ऊपर आ गया है, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों हमने धागे लगा लिए हैं अच्छी तरह से। तो अब नीचे की तरफ जो धागा है इसे इस तरह से खींच के देख लें, हल्का सा आसानी से स्मूथली खींच रहा है, मतलब सही तरीके से धागा लग चुका है। इस तरह से हमने दोनों धागे सेट कर लिए हैं। अब प्रॉब्लम है कि मशीन में कपड़ा आगे की तरफ नहीं चल रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है आप देखिए, इसे हम खोल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसे खोलेंगे इस तरह से और अब इसमें देखिए यहाँ पर आप जो चीज देख रहे हैं इसे हम कहते हैं फीट डॉग। तो नॉर्मली जब हम स्टिचिंग करते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, तो इसे हम कहते हैं फीट डॉग अप पोजिशन में है, तो सिलाई करने के लिए ये अप पोजिशन में रहना जरूरी है। अब देखिए अगर आपने नई सिलाई मशीन खरीदी है तो उसमें क्या होता है, जब मैंने ये स्टार्टिंग में सिलाई मशीन खरीदी तो इसमें ये अप पोजिशन में नहीं था, ये फीट डॉग ड्रॉप्ड था, यानी कि गिरा हुआ था। अब ड्रॉप्ड किस तरह से होता है, देखिए इसे इस तरह से हम नीचे की तरफ करेंगे और इसे हम इस तरह से पुश करेंगे, ये पुश हो गया। अब यहाँ पर देखिए अब इसे छोड़ देंगे तो ये ड्रॉप्ड हो गया है। इस सिचुएशन में अगर आपका ये फीट डॉग है तो अब सिलाई मशीन जो है वो एक ही जगह चलेगी, आपका कपड़ा जो है वो आगे की तरफ नहीं जाएगा, एक ही जगह सिलाई मशीन चलेगी। तो इस सेटिंग को आप, अगर आपकी मशीन में ये सेटिंग इस तरह से है तो इसे आप ठीक कर ले। तो सिलाई मशीन कपड़े सिलने के लिए हम इस फीट डॉग को अप पोजिशन में रखते हैं, तो इसे हम इस तरह से हल्का सा नीचे की तरफ करेंगे, बाहर की तरफ खींचेंगे इसे इस तरह से और छोड़ देंगे इस तरह से। तो इस तरह से इसका रहना जरूरी है, तभी आपकी सिलाई मशीन जो है वो सही तरीके से चलेगी। और ये वाली जो सेटिंग है वो मशीन में हम करते हैं जब हम इस मशीन से बटन लगाते हैं, तो बटन लगाने के लिए हमें फीट ड्रॉप को ड्रॉप पोजीशन में रखना होता है जिससे कि हम बटन आसानी से स्टिच कर सकें। तो देखिए मैं आपको थोड़ा और पास से दिखा देती हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए ये है फीट डॉग और अब ये है ड्रॉप पोजीशन में, तो अब मशीन जो है वो आगे नहीं चलेगी, एक ही जगह चलेगी। बटन स्टिच करने के लिए ये वाली सेटिंग करते हैं, इसे नीचे की तरफ करेंगे इस तरह से और बाहर की तरफ खींचेंगे, बाहर की तरफ खींच के इसे हम
यहाँ पर लगाएंगे। तो अब फीड ड्रॉग है अप पोजिशन में और मशीन सिलाई करने के लिए तैयार है। अगर ड्रॉप करना है नीचे की तरफ दबाएं और यहाँ पर जो स्पेस है इसमें लगकर इस तरह से छोड़ दें। फीड डॉग हो गया है ड्रॉप्ड। तो अब अगर आप ये सेटिंग सही कर लेंगे तो आपकी मशीन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है कि मैम हमारी मशीन जो है उसमें कपड़ा आगे की तरफ नहीं जा रहा है, सिलाई नहीं कर रही है, तो उनके सवाल का यही जवाब है। देखिए इसे आप इस तरह से बाहर की तरफ खींचें और अप पोजिशन में कर ले। तो ये सेटिंग आप सबसे पहले जरूर कर ले और ये सेटिंग करने के बाद में आपकी सिलाई मशीन बिल्कुल सही तरीके से चलेगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब दे देंगे। और अगर आपको और भी कुछ सीखना है सिलाई मशीन में तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए अलग से उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस मशीन में ये भी सुविधा होती है, तो इस तरह से एक्सटेंशन टेबल को हटाकर आप जो भी ड्रेस बनाते हैं टॉप कुर्ती वगैरह ब्लाउज वगैरह, तो उसका जो स्लीव का जो राउंड होता है वहां पर आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। तो इसमें बस आपको लगाना है उसे और इस तरह से यहाँ पर स्लीव्स अच्छी तरह से इसके अंदर फिट हो जाएगी और उसके ऊपर राउंड में आप आसानी से उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, इस तरह से आसानी से उसे घुमा सकते हैं। तो एक सुविधा है इसमें स्लीव राउंड पर स्टिच लगाने के लिए। और अब हम ये एक्सटेंशन टेबल जो है वापस यहाँ पर लगा देते हैं और अब हम आपको इसे सिलाई करके दिखा देते हैं। देखिए ये हमने एक कपड़ा लिया है, देखिए इस तरह से लगाएंगे इसे हम और अब हम इसे चलाकर दिखाएंगे आपको। तो देखिए मशीन पर सिलाई हो रही है आसानी से। हम आपको जो फीड डॉग है उसे हम आपको देखिए ड्रॉप करके भी दिखा देते हैं कि क्यों मशीन नहीं चल रही है। तो देखिए ये फीड डॉग है, इसको हम कर देते हैं ड्रॉप, ड्रॉप कर दिया। अब हम आपको चलाकर दिखाएंगे मशीन। देखिए ड्रॉप पोजीशन में अब मशीन आगे की तरफ नहीं चलेगी, कपड़ा पीछे की तरफ नहीं धकेलेगी, एक ही जगह चलेगी। तो आप देख सकते हैं मशीन एक ही जगह चल रही है और ये वाली सेटिंग हम करते हैं बटन स्टिच करने के लिए। तो अगर आप बटन स्टिच करना भी सीखना चाहते हैं इस मशीन से तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए बटन स्टिच करके भी दिखा देंगे किस तरह से इससे बटन और बटन होल हम बनाते हैं। तो देखिए नहीं चल रही है, एक ही जगह चल रही है और ऐसे करेंगे तो आप मशीन बार बार धागा भी तोड़ देगी। और अब देखिए हम फिर से फीड डॉग को हम कर देते हैं अप पोजिशन में, एक्सटेंशन टेबल को हम वापस लगा देते हैं और अब हम आपको फिर से चला के दिखाते हैं। तो देखिए सिलाई हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये है थ्रेड कटर होता है इस मशीन में, तो आप इसको इस तरह से धागे को इस तरह से घुमाकर आप थ्रेड को काट सकते हैं। तो ये भी सुविधा होती है इसमें थ्रेड को कट करने के लिए, बार बार आपको जब भी सिलाई करेंगे तब आपको कैंची चलाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और भी आपको अगर आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो इस मशीन से रिलेटेड, या फिर जो हाथ वाली सिलाई मशीन होती है वो भी है मेरे पास, अगर आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसकी भी प्रॉब्लम होगी जो भी आपका जो भी सवाल होंगे आपके उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।